को जान से नहीं मारूंगा, किसी को जान से नहीं मारूंगा, लव नहीं करूंगा। उल्ट कर रहे हैं। लव बोले तो प्यार, किसी से लव करता है क्या? बहुत प्यार करता हूँ। उन्हें मुन्ना कह भी देता हूँ लिटरली। तो गरीब उसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे। दिल्ली और करप्शन से पैदा होने वाले उस कीड़े का नाम जो हमारी हिम्मत और वकार को पैरालाइज कर देता है। आप चीख चीख कर कहते हैं कि वो गुंडा है। मरवाएगी दिलवर, कारोबार खत्म कराएगी अपना। उसको कब सर्व करेंगे हम? बाकी गल्लां बाद च। सब तो पहला सारयां नूं ईद मुबारक। तुहाडे जिहड़ी ईद है, तुहाडे रोजे, सारा कुछ वधिया गया। तो ईद अज दा दिन भी फुल इंजॉय करो, सैलीब्रेट करो, तो साडे नाल करो। मैनूं टैग करदे रहो, इंस्टा ते जाके टैग जरूर करो पंजाबी रील टीवी दे अकाउंट ते। ते बाकी जिहड़ा अज दा वीडियो है जिहड़ी आई दी, उह इक हैगा वी टीज़र जेंटलमैन। ये फिल्म नहीं कि नैटफ्लिक्स वाली, इह एक पाकिस्तानी ड्रामा है जिहदे विच हुमायूं सईद बड़े लंबे टाइम तो बाद अपने विचकार एक ड्रामा लेके हाजिर हो रहे हैं। तो देखते हैं, तो दो टीज़र आए हैं, मैं तीजा सर्च कर रहा, मैंने लभ्या नहीं। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट तो हैगी है, वीडियो ब्लॉग ना हो, पता नहीं मेरे नाल की वैर है। मैंने ओएसटी बना चुके हैं, मेरे ब्लॉग हो जाते हैं, बाकी सारे उदा ही पे है, पता नहीं मेरे नाल केड़ा वैर कड़न डे है बई। चलो देखते हैं फिर भी अज्ज दी एक वीडियो, जे चैनल पर रही तो देख लियो, नहीं तो डाउनलोड करके फिर देख लियो भरावा। चलो आओ देखिए। मैं इकबाल मुन्ना अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ, अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ कि अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा, कि मैं अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा। बत्ता नहीं लूँगा। बत्ता तो नेवर भाई, आई हेट बत्ता। किसी को जान से नहीं मारूंगा, किसी को जान से नहीं मारूंगा, लव नहीं करूंगा। उल्ट कर रहे हैं। लव बोले तो प्यार, किसी से लव करता है क्या? बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत तड़पता हूँ सरनाथ जी। ये यमुना है ना? नहीं भाई, मैं लव नहीं करूंगा भाई, आपकी कसम लव नहीं करूंगा, जान दे दूंगा, लव नहीं करूंगा। एक मिनट, मुन्ना भाई वाली फीलिंग क्यों होने दी है भाई? मैंने ऐसे भाई मुन्ना भाई विद सर्कट है। हाँ भाई, एने बॉलीवुड लेवल का वो छपरी वाला एक गैंग छोटा गैंगस्टर जहा क्यों लगन दिया मैं? वट इज दिस गोइंग ऑन? मुन्ना तुझे कुरंगी दो ढाई मिनट। उन्हें मुन्ना कह भी देता हूँ लिटरली। क्या किया होता मैं सुनया नहीं, चलो दोबारा। या मुन्ना तुझे कुरंगी दो ढाई मिनट। चको चको भाई, जिथे नाम आ गया खलील उर रहमान, समझ लो प्रोजेक्ट जबरदस्त हिट सुपर डुपर। हम गुंडों की जेंटलमैनों से लड़ाई है, और अगर हम हार गए तो गरीब उसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहाँ से। ओह अच्छा, एक्चुअली जेंटलमैन के खिलाफ है, ठीक है। नहीं तो अगर कई सीरीज आप देखते हैं नैटफ्लिक्स से, जेंटलमैन उन्होंने दिखाया गया। एक जेंटलमैन एक सीरीज है बड़ी जबरदस्त है नैटफ्लिक्स से, एक दिखाते कि बंदा कि पावर वाला हों, बहुत पैसा होंगे, बिजनेसमैन हों, होर भी बहुत सारी चीज़ा, पर ये थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है भाई, तड़का लगाया जबरदस्त। अगला देखते हैं, आ जाओ। मैं पूछती हूँ निगुंडा नाम की स्पीशी होती क्या है? एचओडी से कहो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी, लेकिन सवाल अपनी मर्जी के करूंगी। कुड़ी का करैक्टर यह है कि कुड़ी एक एंकर है, एक होस्ट है किसी न्यूज़ चैनल पर, ठीक है, न्यूज़ एंकरिंग करती है वो, तो कहती कि मैं इंटरव्यू ताई करूंगी उदी शर्तां जो भी। ओके, बुजदिली और करप्शन से पैदा होने वाले उस कीड़े का नाम जो हमारी हिम्मत और वकार को पैरालाइज कर देता है, इसी गुंडे के आड़ में छुप कर हमने अपने मुल्क के 74 साल जाया कर दिए, और अब जब वो अपने पैदा करने वाले से अपना हिस्सा मांगता है तो आप चीख चीख कर कहते हैं कि वो गुंडा है। मरवाएगी दिलवर, कारोबार खत्म कराएगी अपना। ओ जर्नलिस्ट तो मुन्ना जी डर गए भाई, क्या बात है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे जबरदस्त भाई। ये फिर तोड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाला है ये ड्रामा, सीरियसली। व्हाटएवर नहीं सर, डीसी साहब हुक्म की तामील करेंगे, तामील में आप उनकी मदद करेंगे, चैनल पे शो होगा, मुझे स्क्रिप्टेड लाइंस बोलनी पड़ेंगी, हाँ सबके आपसी ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, लेकिन गुंडों का बाल बाका नहीं होगा। हम चैनल से तनख्वाह लेते हैं तो उन्हें सर्व करना पड़ेगा। मुल्क से कुछ नहीं लेते हम, चैनल से एक तनख्वाह लेते हैं, उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं, मुल्क से पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उसको कब सर्व करेंगे हम?
भाई साहब हो उतले लेवल दियां गल्लां साढ़े इधर भी भरावा बड़ा पंगा पिया जे डिक्टेटरशिप नूं लैके हैं। ध्रुव राठी वाली वीडियो नहीं देखी तुसीं? जिन्होंने नहीं देखी देखियो जाके, हालांकि मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा पर देखियो जाके एक करी। बाकी रही गल ड्रामे की, तो बई ड्रामा काफ़ी इंट्रस्टिंग है, ये स्टोरी बहुत इंट्रस्टिंग बनाई है यार इन्होंने। उस तो बाद जो इंप्लीमेंटेशन है वो जबरदस्त है। हुमायूं सईद मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड ही इज़ बैक विद एक्स्ट्रा बूम। वाह जी वाह क्या बात है। मतलब एक्टिंग दे विच तो A1 हैगी है, यमुना दे ना, यमुना ही है ना यार, मैं फिर भुल जाना, मैंनू नाम नहीं याद रहिंदे कुड़ियां दे, ते एक्टिंग दा बहुत जबरदस्त है भैया दी, अलग लैवल दी एक्टिंग है। देखने वाला होगा, इंट्रस्टिंग होगा कि होएगा की है ये चक्के। एंड OST दा कैंट लगूगा, हुण समझ नहीं आ रहा OST रोमांटिक होगा जां एक एक्शन वाला होगा, मोटिवेशन होगा, इंस्पायर करूगा इन्हां करैक्टर्स नूं, या की होएगा यार, समझ तो बाहर है गल, गैस नहीं किया जा रहा कोई भी। पर हाँ ये जरूर कहा जा सकता कि जेकर ड्रामा जिस तरह के इन्हों के टीजर है उदा की हाइप यदा पहला एपीसोड बना पाया तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट एंड ये ड्रामा थोड़ा सुपर डुपर हिट होएगा। एंड पाकिस्तान का आई थिंक इकलौता ड्रामा इदा का होएगा जोड़ा इस लैवल तक पहुँचेगा। ये गल मेरी याद रखियो, जेकर पहला एपीसोड ही वर्क कर गया तो ठीक है। जिस तरह बर इधर मैं देख रहा टीजर इन्होंने होर कोई कढ़िया ही नहीं, सिर्फ दो करैक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं अजे। यार ट्रेलर भी इन्हों कढ़ना चाहिए, पर ट्रेलर की जगह से शायद थोड़ा OST आ जाता है, गल एक ही हो जाती है। सो एनीवेज यार मज़ा आया, मैं तो थोड़ा कितना की वीडियो थे कमेंट करके जरूर दस्यो एंड थोड़ी की एक्सपैक्टेशन है इस ड्रामे को लैके, डू लेट मी नो इन द कमेंट सैक्शन बिलो एंड जस्ट सबसक्राइब अवर चैनल। सत श्री अकाल। चैनल को सबसक्राइब कर जरूर करना ना बोल।